छोले भटूरे खाना किसको पसंद नहीं होता, लेकिन बाजार के आजकल खाना सही नहीं है क्योंकि बारिश का मौसम है और इतने फ्रेश ना मिले या कुछ बदहजमी हो जाए, तो इससे बेहतर है घर में बनाए जाएं और वो भी इतने फूले फूले भटूरे। ये देखिए एक एक भटूरा कितना गुब्बारे की तरह फूल गया है और सारे भटूरे इसी तरह से एकदम फूले फूले नरम और मुलायम बने हैं। और साथ में बनाएंगे पिंडी छोले, आलू अचार, सारी चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट थाली बनाई है, जैसे कि बाजार में हमको छोले भटूरे की थाली मिलती है और सेहत टेस्टी तो है ही, साथ में बिना प्याज और लहसुन के बनाई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए ये देखिए कितने अच्छे छोले, आलू और अचार हमने बनाकर तैयार किया है और बहुत कम टाइम में ये सारा सामान बनकर तैयार भी हो जाए और बहुत हाइजीनिक तरीके से बनाकर तैयार करेंगे, कोई ज़्यादा झंझट है ही नहीं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए कितना जालीदार भटूरा बनकर तैयार हुआ है और किनारे तक आराम से बिल्कुल फूल गया है, बिल्कुल गुब्बारे की तरह। और इसी तरह छोले भी बहुत स्वाद बने हैं। सबसे पहले जो रात को काम करना है बस वो एक है कि चने हमें रात को भिगो देने हैं। 300 ग्राम के लगभग चने लिए थे और इनको मैंने अच्छे से साफ पानी से धोकर रात भर के लिए भिगो दिया। इतना काम अगर रात को कर लेंगे ना तो हमें सोडा डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब सुबह उठ के सबसे पहले हम मैदा को गूंद लेंगे। दो कटोरी यानी 400 ग्राम के लगभग मैंने मैदा लिया है। इसमें हम 1/4 कप सूजी मिला देंगे। सारा नाप मैंने कटोरी से लिया है जिससे आप आराम से बना सको। एक चम्मच के लगभग नमक डाल देंगे। 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल देंगे और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे। ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छा रिएक्शन करेंगी और जल्दी हमारा भटूरे का एकदम जालीदार आटा बना के तैयार करेंगे। 1 चम्मच चीनी डाल देंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे अगर बिल्कुल बाजार जैसा फ्लेवर चाहिए तो, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर फ्रेश दही डाल देंगे। ये ताज़ा रूम टेम्परेचर का दही है, अगर एक दिन पुराना हो तो भी चल जाएगा, वो फ्रेश ही होता है। दही जो है 2 दिन के बाद जाकर ख़राब होता है और बारिश का मौसम है, दही जल्दी से ख़राब हो जाता है, तो दही का अच्छा सा यूज़ कीजिए। दही बच जाए तो भटूरे का आटा गूंद लीजिए। वैसे आप चाहें तो टोटल दही में भी इसको गूंद सकती हैं। अगर आपको भटूरे जल्दी बनाने हैं ना तो आप पानी का इस्तेमाल कीजिए ही नहीं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगेगा। ये देखिए आपके सामने 1 कटोरी पानी लिया था और उसमें से 1/4 कप बच गया है। 3/4 कप के लगभग कटोरी पानी लगाएं और हमारा एक सॉफ्ट सा डो बनाकर और इसको अच्छे से पटक पटक कर हम तैयार करेंगे। ये देखिए सारे मैदा को मैंने इकट्ठा कर लिया और आपको दिख रहा होगा 1/4 कप के लगभग पानी अभी भी बचा हुआ है। बिल्कुल एग्जैक्ट नाप से इसी तरह भटूरे बनाइए, बहुत बढ़िया भटूरे बनेंगे, एकदम अंदर से जालीदार नरम और ऊपर से एकदम क्रिस्पी और बिल्कुल ऑयल नहीं सूखेंगे। इसमें हमने बिल्कुल ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया और ये सीखिए सिर्फ 1/2 चम्मच ऑयल डाल के इसको एक बार अच्छे से पटक पटक के और गूंद लेंगे। हम इसे 10 से 12 बार इस तरह से पटकेंगे ताकि इसके अंदर से ग्लूटेन रिलीज हो जाए और बहुत बढ़िया आटा लगकर तैयार हो जाएगा। बस अब इसे ऐसे रफली छोड़ देंगे और इसके ऊपर कोई प्लेट या कपड़ा ढक देंगे। अब इसे साइड कर लेंगे और चने देखिए उबल गए, जो है अच्छे से भीग गए हैं। मैंने खूब सारे पानी में चने भिगोए थे तो एकदम चनों का साइज़ डबल हो गया है। चनों को कुकर में डाल लेंगे और इस पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसके लिए एक पोटली बना लेते हैं। इस पोटली के अंदर मैंने 2 चम्मच चाय पत्ती डाली है, आप कोई भी चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10-12 काली मिर्च डाल देंगे और 3-4 लौंग डाल देंगे। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, आप चाहें तो सिर्फ जो है इसकी चाय पत्ती की पोटली बनाकर डाल सकते हैं या इसकी जगह टी बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काली मिर्च और लौंग हमारे घर में मुंह में आती भी अच्छी नहीं लगती, तो उनका फ्लेवर तो लेकिन चाहिए, इसलिए मैंने इस पोटली के अंदर डाल दिया। और ये देखिए ये पोटली बस ऐसी हो कि इसमें से चाय पत्ती निकले ना, बाकी ये लूज़ रहनी चाहिए। अब चनों के अंदर इस पोटली को रख देंगे। 1 चम्मच इसके अंदर नमक डाल देंगे, 1 चम्मच इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे, 2 बड़ी इलायची डाल देंगे, साथ में इसके अंदर 3-4 छोटी इलायची डाल देंगे, 2 छोटे छोटे तेज पत्ते डाल दिए, बड़ा हो तो सिर्फ 1 डाल दीजिए। और अब डालेंगे एक खास चीज़ जो बाज़ार में इसके रंग को और स्वाद को बढ़ाने के लिए डाला जाता है, 4-5 सूखे आंवले पड़े थे यानी 4-5 टुकड़े, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और 2 ग्लास के लगभग पानी डालकर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे 5 से 6 विसल तक हाई फ्लेम पर, उसके बाद 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे और फिर कुकर का ढक्कन ठंडा करने के लिए बंद कर देंगे। अब एक कटोरी लेंगे, उसके अंदर थोड़ा मसाला बनाएंगे। 1 चम्मच नमक डाले, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच कच्चा जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच इसके अंदर मैंने कसूरी मेथी का पाउडर डाला है। अब डाल देंगे खास छोले मसाला, इससे हमारे छोले फटाफट बन भी जाएंगे
रहेंगी और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और ये बाज़ार में किसी भी ब्रांड का छोले मसाला आप ले सकते हैं। वैसे छोले मसाला घर में भी बन जाता है और बहुत अच्छा बनता है। फिर किसी दिन मेरे पास उसका सारा सामान था नहीं, तो इसलिए मैंने रेडीमेड छोले मसाले का इस्तेमाल किया है। फिर किसी दिन मैं आपको छोले मसाला बनाकर दिखाऊंगी। आप थोड़ी सी इसमें हींग डाल देंगे और आधी कटोरी पानी डालकर इसका एक गाढ़ा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगी। इससे क्या होगा, मसाले अच्छे से पानी में भीग जाएंगे और फूल जाएंगे और फटाफट से भुन जाएंगे और बहुत बढ़िया फ्लेवर जो है रिलीज करेंगे। अब चलिए बना लेते हैं हरी मिर्च का अचार। इसके लिए 4-5 ही मिर्चें पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो 4-5 मिर्चें हैं उन्हीं का बना लेते हैं। अच्छे से धो लिया और उनको बीच में से लंबा लंबा काट लिया, लेकिन कम लग रही थी तो मैंने कहा चलो पतली वाली मिर्चें पड़ी थी। घर में आपको पता ही है इसी तरह से जब कोई कम चीज़ कम हो तो गुजारा चलाते हैं। 2-3 मैंने इसके अंदर छोटी वाली हरी मिर्ची बीच में से चीरा लगा के डाल दी। अब फ्राइंग पैन के अंदर 1 चम्मच सिर्फ सरसों का तेल लेंगे या आप वेजिटेबल ऑयल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 चम्मच इसमें जीरा डाल देंगे, 1/2 चम्मच राई डाल देंगे, थोड़ी सी हींग डाल देंगे चुटकी भर, क्योंकि इन चीज़ों से बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। और जो मिर्ची हमने कट करके रखी हैं, जैसे ही ये मसाला तड़क जाएगा इसके अंदर वो मिर्चें डाल देंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े मसाले। मैंने 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच बारीक पिसा हुआ सौंफ पाउडर डाल दिया। इन दोनों मसालों से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। 1/2 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, साथ में हम इसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अच्छे से इसे अलट पलट करते हुए 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब खट्टे करने के लिए, वैसे तो राई है लेकिन राई की मिर्ची अगले दिन खट्टी होती है, तो हम इसके अंदर डाल देंगे 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर और बहुत बढ़िया हमारा एकदम रेडीमेड इंस्टेंट मिर्च का अचार बनकर तैयार है। खाने में बहुत टेस्टी लगा, सबको बहुत पसंद भी आया। बस इस तरह से इसे अलट पलट करेंगे और एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। लेकिन अभी इसमें काफ़ी नीचे मसाला बचा हुआ है, तो मैं आपको बताती हूँ इस बचे मसाले का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं हम। इसी मसाले के अंदर मैंने 4-5 उबले हुए आलू थे उनको बीच में से कट करके डाल दिया और इसके अंदर डाल देंगे स्वाद के अनुसार 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे और वही सारे मसाले 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। छोलों के साथ ये तीखे वाले आलू बहुत बढ़िया टेस्ट देते हैं। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच सौंफ पाउडर डाल देंगे और साथ में डाल देंगे थोड़ी सी इसके अंदर ऑयल, 1 चम्मच ऑयल, क्योंकि ऑयल इसमें कम है तो मैंने 1 चम्मच इसके अंदर ऑयल डाल दी है। बस इस तरह से हमारा बहुत बढ़िया आलू मसाला तैयार होगा। 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाली और थोड़ा सा कसूरी मेथी। इतने मसालेदार और टेस्टी आलू बने थे कि क्या ही बताऊं। अभी मैं आपको खुद ही दिखा देती हूं कि कितने अच्छे हमारे आलू मसाला बनके तैयार हुए थे। बस इसे 1 से 1.5 मिनट तक फ्राइंग पैन के अंदर अच्छे से इधर से उधर अलट पलट कर लेंगे और ये देखिए चटपटे मसालेदार आलू बनकर तैयार हैं। उम्मीद है आप सबको ये रेसिपी पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही हो तो आप बेफिक्र होकर घर में इसे टेस्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आलू को भी साइड में कर देंगे। 1 कढ़ाई के अंदर 2-3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, थोड़ा सा जीरा 1 चम्मच डाल देंगे, थोड़ी सी हींग 1/2 चम्मच, क्योंकि इसमें हमने लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया तो हींग थोड़ी ज़्यादा जाएगी। 1 से 1.5 चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब जो मसाले हमने भून कर रखे थे वो इसके अंदर पलट देंगे और लगातार चलाते हुए पकाएंगे। 1-2 मिनट के अंदर ही ये देखिए गाढ़ा पेस्ट हो गया था ना, अब इसे 1-1.5 मिनट ही लगेगा, ज़्यादा टाइम इस मसाले को भूनने में नहीं लगता है क्योंकि बहुत कम मसाला है ये देखिए। अब इसके अंदर 2 टमाटर की मैंने प्यूरी डाल दी है, ये भी पूरी तरह ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप टमाटर की प्यूरी ना डालें तो उसकी जगह आप इसके अंदर अमचूर पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें। टमाटर से कलर तो बहुत अच्छा आएगा, टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। बस इस तरह से इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे और जब इसके अंदर से अच्छे से ऑयल रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए कितना अच्छा मसाला हमारा भुन गया है, तो हम इसे हल्की गैस करके ढककर 1-1.5 मिनट तक और पकाएंगे। इतनी देर जो चने हमने उबलने रखे थे वो चेक कर लेते हैं। 1/2 चम्मच मैंने इसके अंदर जो है काला नमक और डाला है। काला नमक से बहुत बढ़िया चने का टेस्ट आता है और हमारे चने बिल्कुल काले जैसे बाज़ार में हमें मिलते हैं ना, बिल्कुल टेस्ट वाइज भी वैसे ही बनके तैयार हुए हैं। ये देखिए चनों को चेक कर लेते हैं। जब विसल पूरी निकल गई तो मैंने चनों को चेक कर लिया था। इसके अंदर से पोटली को हम निकाल देंगे और 1-2 चने के दानों को दबा कर देखेंगे। अगर आराम से दब रहे हैं तो मतलब चने अच्छे से गल गए हैं, ये देखिए। और अगर आपको ऐसा लगे कि चने अभी कच्चे हैं तो आप 1-2 सीटी और लगा लें। लेकिन ये देखिए इसमें पानी बहुत कम रह गया है क्योंकि चनों को उबलने में पानी सारा इस्तेमाल हो गया है। और ये चनों को अच्छे से, अगर हमें पिंडी छोले किचड़ छोले बनाने हैं ना पंजाब वाले स्पेशल, तो इसको हम इस तरह से अच्छे से प्रेस कर देंगे और ताकि थोड़े से चने जो है इसके अंदर मैश हो जाएं। और ये देखिए बहुत बढ़िया हमारे चने तैयार हैं। आने वाला समय त्योहारों का है, कई लोग प्याज लहसुन नहीं खाते या नवरात्रों में प्याज लहसुन नहीं खाते, तो आप बड़े आराम से उस समय ये रेसिपी बना सकते हैं।
आप जो मसाला भून रहा था उसके अंदर हमारे चनों को पलट देंगे और अच्छे से इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इतनी देर कुकर में मैंने 1.5 गिलास पानी उबलने रखा था क्योंकि अभी चनों को हमें ढककर 10 मिनट तक और पकाना है, तो इसलिए इसमें पानी होना ज़रूरी है। तो मैंने इसके अंदर 1.5 गिलास के लगभग पानी डाल दिए। अब हम इसे ढककर जो है 10 से 12 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। 10-12 मिनट के अंदर ही चने बहुत अच्छे से पककर तैयार हो जाएंगे और उस स्टेज पर हम इसके अंदर थोड़े से जो है तड़का और लगाएंगे। इतनी देर हम भटूरे का आटा तैयार देख लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा आटा जो है, कितना जालीदार हमारे भटूरे बनने वाले हैं। इस आटे को देखने से ही, मैदा को देखने से ही पता चल रहा है। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी लोइयां बनाकर फिर इसे साइड कर देंगे। ये देखिए बस इस तरह से मैदा को इकट्ठा कीजिए और उसके बाद ऐसे हथेली के बीच में और अंगूठे और दो उंगली के बीच में लेके इस तरह से जो है पेड़े निकाल लीजिए। इस तरह से भटूरे सबसे बढ़िया बनते हैं और बड़े आराम से बन भी जाएंगे। अगर हाथ में अगर आपको लगे ये थोड़ा चिपक रहा है तो हल्का सा ऑयल का हाथ लगा लीजिए और एक प्लेट को हल्का सा नीचे से चिकना कीजिए और इस तरह से लोइयां बनाकर वो सारी लोइयां एक ही साइज़ की हम बनाकर रख देंगे। टोटल इसके अंदर से 9 भटूरे बनकर तैयार हुए हैं, जितना हमने मैदा लिया था। आप थोड़े से छोटे या बड़े साइज़ के भटूरे बना सकते हैं। थोड़े छोटे बनाएंगे तो 10 के आसपास या 11 के आसपास भटूरे बन जाएंगे और इससे बड़े तो बनाना बेकार है क्योंकि घर की कढ़ाई में उतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होता, फिर वो भटूरे अच्छे से फूलते नहीं है। हल्का हल्का बिल्कुल ऑयल का हाथ लगा के इसको बस इसी प्लेट से मैंने ढक दिया। इतनी देर ये देखिए चने हमारे बहुत ही परफेक्टली तैयार हो गए हैं और आपको ये पता ही लग रहा होगा देखने से कि इनका कलर और टेक्सचर बिल्कुल लाजवाब आया है और खाने में भी उतने टेस्टी बनते हैं। जैसे कि शादियों में छोले मिलते हैं ना, वो वाला एक महक होती है, खुशबू, वो नहीं आ पाती। एक बार आप इस तरह से ट्राई कीजिए, मेरी गारंटी है कि वही महक आपको छोलों के अंदर आएगी। और उसके बाद जो अगर छोले बच भी जाएं तो आप आराम से उसके साथ चावल बनाइए, मैंने भी यही किया और लाजवाब छोले चावल बने थे। अब एक कढ़ाई के अंदर या फ्राइंग पैन तड़का पैन में 2 चम्मच देसी घी गरम करेंगे, थोड़ा अदरक के लच्छे और हरी मिर्चें डालेंगे और तेज़ गरम इसके ऊपर पलट देंगे। ये देखिए क्या लाजवाब हमारे जो है छोले बनकर तैयार हुए हैं। वैसे आप चाहें तो इस समय कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन छोलों के ऑथेंटिक कलर के लिए मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि हमें ये छोले थोड़े काले चाहिए। अभी आप ये देखिए जितनी देर ये उबलते रहेंगे ना, मैंने 5-7 मिनट और उबलने रख दिए हैं, उतनी देर में ये धीरे धीरे काले होते जाएंगे। और ये देखिए हमारे जो लोई थी उसने भी रेस्ट कर लिया है। अब हम धीरे धीरे अच्छे से बेलन को भी और चकले को भी चिकना करेंगे और इस तरह से इसको बेल लेंगे। किनारों को अच्छे से बिल्कुल पतला बेलना है और आराम से जो मर्जी शेप दीजिए, चाहे आप गोल या थोड़े लंबाई में बेलिए। मैंने थोड़े लंबे भटूरे बनाए हैं और जैसे ही आप इन्हें उठाएंगे इनका साइज़ थोड़ा कम हो जाएगा, तो पहले ही थोड़ा ज़्यादा बनाइए और एकदम तेज़ गर्म। यहाँ पर भटूरे को तलने के लिए बस एक ही बात का ध्यान रखिए कि तेल को बहुत तेज़ गर्म होना चाहिए। अगर जितना तेज़ तेल गर्म होगा ना, उतना ही भटूरा तेजी से आपका फूले भी अभी, क्योंकि इसके अंदर जो मॉइस्चर है ना वही इसको फुलाएगा। और ये देखिए पहला ही भटूरा एकदम बैलून की तरह फूलकर तैयार हुआ है, बाकी के सारे भटूरे भी इसी तरह तैयार हुए हैं। अगर आप हल्का सा नरम खाना चाहते हैं तो इसे थोड़ा कम सेकिए और अगर एकदम करारा खाना चाहते हैं तो इसे तेज क्रिस्पी लाल कर लीजिए, जैसा आपको पसंद हो। मैंने तो ये मीडियम रखा है। ये देखिए है ना बिल्कुल बैलून जैसा भटूरा, तो इस बात पर एक लाइक तो बनता ही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिए। अब इसी तरह से दूसरा भटूरा इतनी देर मैंने बेल लिया था, एक एक भटूरे को क्योंकि हम घर में ही बना रहे हैं और एक भटूरा खाने में बंदे को बहुत टाइम लगता है, तो एक एक भटूरा गरम गरम तलते जाइए और एक एक जने को सर्व करते जाइए। जितनी देर में एक भटूरा सबका ख़त्म होगा ना, उतनी देर में आप सारे भटूरे बना लेंगे। बस गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखें, इस बात का ध्यान रखें और अच्छे से भटूरे को दोनों तरफ से लाल सुनहरा होने तक सेक लें। तो चलिए अब थाली में सर्व कर लेते हैं। एक साइड रख देंगे अचार, ये तो मैंने अपनी थाली लगाई है क्योंकि मैं बाकी सबको खिला चुकी हूँ, और दूसरी तरफ एक बाउल के अंदर डाल लेंगे ये हमारे सूखे मसालेदार आलू, साथ में डालेंगे गर्मा गर्म छोले। ये देखिए कितना लाजवाब कलर है और टेक्स्चर कलर बिल्कुल बाजार जैसा है और टेस्ट भी, और साथ में गरम गरम भटूरे। अब ये देखिए गर्मा गर्म भटूरे अगर इस तरह फूले फूले हों
तो कौन नहीं खाना चाहेगा। वैसे भी अगर आप बाज़ार से लाके खाते हैं तो भटूरे फूले हुए नहीं रहते, नरम पड़ जाते हैं। और जबकि इस समय ऐसा लगेगा कि आप बाज़ार में ही बैठकर बहुत बढ़िया छोले भटूरे की थाली इंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए आप भी इंजॉय कीजिए, मैं भी इंजॉय करती हूँ। पर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये मेरे चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है और मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बाय।